हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ मीठी चटनी की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। मेरा ब्लॉग बहुत दिनों से नहीं जा रहा था क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं थी। आज हमने सोचा चलो आज आप मेरे ब्लॉग को मिस कर रहे हैं, इसलिए मैं आज आपके साथ मीठी चटनी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। चलिए हम आपको बताते हैं कि इसमें क्या क्या इन्ग्रीडियंट यूज़ होता है। ये है इमली जो मैंने 10 मिनट भिगो कर उसका पूरा रेशा निकाल दिया है और उसे चटनी से मैंने छान लिया है। 250 ग्राम इमली को मैंने भिगो कर इसे छान दिया है। ये है 250 ग्राम गुड़, मीठा भी आप इसे कह सकते हैं। ये है 1 टेबल स्पून सौंफ। ये है 1 टेबल स्पून सॉल्ट। ये है 2 टेबल स्पून मैं इसमें शुगर भी डालूंगी क्योंकि शुगर डालना इसमें ज़रूरी होता है। और ये है 1 टेबल स्पून घी। और ये है 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च। और मैं आपके साथ एक और रेसिपी शेयर कर रही हूँ, दोनों एक ही साथ मैं आपके साथ बनाऊंगी, ग्रीन चिली हरी चटनी की रेसिपी। चलिए तो मीठी चटनी की रेसिपी मैं आपके साथ बता दूँ किस तरह से बनता है। पहले आप एक कढ़ाई ले लीजिए, उसमें 1 टेबल स्पून आप घी डाल लीजिए। उसे अच्छी तरह से हमने कुक कर लीजिएगा। रस बना कर रखा है उसे रख दें। दो तीन मिनट में ये अच्छी तरह से कुक हो जाएगा। फिर इसमें आप जो मैंने 100 ग्राम दूध डाला था उसे आप इसमें डाल देंगे। अगर आप इसे छोटा छोटा पीस भी करके डालिएगा वो भी सही रहेगा। इस तरह से कीजिएगा तब भी हो जाएगा क्योंकि ये चूल्हे पे जाने के बाद गर्म होने के बाद ये दूध मेल्ट हो जाता है, अच्छी तरह से मेल्ट हो जाता है। देखिए ये पक गया है, इसमें उबाल आने लगा है। इसको 10 मिनट पकाइएगा, ज़्यादा नहीं। देखिए सारा इसमें जो मीठा मैंने डाला था वो अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है। देखिए अच्छी तरह से पक गया है। इसका लिक्विड इसी तरह नहीं गाढ़ा रखिएगा, ज़्यादा पतला नहीं कीजिएगा। इसमें फिर आप 1 टेबल स्पून शुगर डाल दीजिए और 1/2 टेबल स्पून इसमें रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा सॉल्ट। अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। कितनी अच्छी तरह से ये उबाल हो आ रहा है इसमें। जब ये अच्छी तरह से पूरी चीज इसमें मिक्स हो जाए तब इसमें फिर आप लास्ट में ये सॉस ऊपर से डाल दीजिए। हो गया आपकी मीठी चटनी तैयार है। ये ठंडी होने के बाद और इसका जो है मीठी चटनी जो है और इसकी लिक्विड गाढ़ी हो जाएगी। ये अच्छी तरह से कंप्लीट हो गया। अब हम आपको बताते हैं कि हरी चटनी किस तरह से बनाई जाती है। आज हम आपके साथ और हम आपके साथ एक और रेसिपी शेयर कर रहे हैं। लगे हर सोचा मीठी चटनी के साथ साथ आज आप हरी चटनी भी बना लें, इसलिए मैं आपके साथ दोनों ही चटनी एक ही साथ शेयर कर रही हूँ। ये है देखिए, मैंने पुदीने के पत्ते को तोड़ लिया है, इसे अच्छे से मैंने धो करके फ्रेश कर लिया है। ये है 100 ग्राम धनिया पुदीने का पत्ता। ये है धनिया पत्ती जिसे मैंने धो करके इसे भी मैंने फ्रेश कर लिया, ये भी 100 ही ग्राम है। ये है 4-5 लहसुन की कलियाँ जिसे मैंने छील लिया है। ये है काला नमक, वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। ये है ग्रीन चिली, जो आप अगर तीखा पसंद करते हो तो आप 6 से 7 ग्रीन चिली डालिए, अगर आप कम तीखा खाना पसंद करते हो तो 3 से 4 डालिएगा। हरी चटनी को बनाने के लिए जो मैंने पुदीना के पत्ते को धोकर अच्छी तरह से साफ कर लिया, इसे आप मिक्सर ग्राइंडर में डाल दीजिए। ये
धनिया पत्ती भी सब मिक्स कर लीजिए। पांच से छह हरी मिर्च, पांच से छह लहसुन की कलियां, हाँ तो गाइस मैंने आपके साथ देखी मीठी चटनी की रेसिपी और हरी चटनी की रेसिपी, दोनों मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआ में याद कीजिएगा। खुदा हाफिज़। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी।